हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द सारा द व्लॉग। और आज का व्लॉग काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का जो व्लॉग है ये सिर्फ एक पीस में नहीं शूट होने वाला है, इसको मल्टीपल पीसेस में मैं शूट करने वाला हूँ। वेल रियली स्पीकिंग, मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूँ कि ये व्लॉग मैं बना क्यों रहा हूँ। सो आई एम, आपको पता है मैं यूट्यूबर हूँ, मेरी वाइफ जो है वो यूट्यूबर है, हम लोग एजुकेटर्स तो ही इसके अलावा यूट्यूबर्स हैं। और एज अ कंटेंट क्रिएटर हम लोग ये समझते हैं व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ गैजेट्स। हैविंग गुड गैजेट्स रियली सपोर्ट्स योर इनोवेशन, रियली सपोर्ट्स योर आइडिया। और गैजेट की जो इन्वेंट्री होती है उसको अपडेट करते रहना चाहिए। वेल रियली आज जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ ये थोड़ा पर्सनल है, और मुझे लगता है कि कुछ लोग शायद इसको पसंद ना भी करें कि शो ऑफ चल रहा है, बट मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हाई एम आई मेकिंग दिस व्लॉग एंड शेयरिंग दीज ऑल थिंग्स विद यू? रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज अगर मेरी कोई भी चीज़ से अगर मेरा ऑडियंस मोटिवेट होता है तो मुझे लगता है व्हाई नॉट टू शेयर दैट। तो आज जो व्लॉग है इसके अंदर हम लोग करने वाले ये हैं कि हमारी आईटी गैजेट्स को थोड़ा अपडेट करने वाले हैं, और उसको अपडेट करने के लिए कुछ एक्सपेंसिव गैजेट्स खरीदने हम लोग जा रहे हैं। वेल रियली स्पीकिंग आई प्रे, आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस कि ये एक्सपेंसिव गैजेट्स हमें आज ही मिल जाए, बट दे आर वेरी यू नो शॉर्ट इन सप्लाई। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये व्लॉग, देखिए इसको, एंजॉय कीजिएगा। अगेन आई एम टेलिंग द पर्पज ऑफ दिस व्लॉग इज जस्ट टू मोटिवेट यू गाइज एंड टेल यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ आईटी गैजेट्स इन द लाइफ ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर। सी, सो फाइनली वी हैव परचेज्ड अ न्यू लैपटॉप। So this is Lenovo Legion 5 Pro. Are we ready to open? Shall we unbox? Yeah, we must. We are here at Phoenix Mall in Bangalore. The first Legion we bought was in May 2020, and it's absolutely fantastic. And this is the latest Legion. Why reason I like Legion, because it has two SMPS fans and a very good exhaust system. The only thing I don't like about Legion is the battery life. I hope is bar iski battery achhi honi chahiye sir. Pehla jo Legion mein use kar raha hu battery bahut bekar hai. So I think this is the adapter. These two USBs, HDMI, C type, the LAN over here. Yeah, I need one over here. USB, headphone jack. What is this switch for? That's a privacy setup for a camera. So if you want to turn off the camera. Yes. And the two C port on this side. But बहुत सारे C ports हैं. Lot of C ports. And look at the charger. Charger itself is a laptop. Yeah. Seriously. It's way bigger from previous one. So we travel a lot. So we are basically vloggers also. We travel a lot and we carry laptop. Big to carry. Such a huge laptop. Oh my God! How is it? Amazing. It's looking very nice. This is the startup. This is the most iconic Legion bag. Legion laptops are not just famous, they are also famous for their bags. So Swati ma'am, we are unboxing Legion bag. Yeah, I'll be unboxing. Or unpolying the Legion bag. Oh my goodness. Wow. Yeah, they're gonna look at this. This shines very nicely. बहुत मेहनत करके ये लैपटॉप कमाया है. अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करोगे तो आप आउटडेटेड हो जाओगे. और हमारा जो काम है स्पेशली, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि हम सिर्फ एक टीचर हैं, हम लोग इनोवेटर्स हैं, कुछ इन्वेंट करते हैं, कुछ बनाते रहते हैं। तो जो चीज़ बाकी लोगों के लिए ऑप्शनल होती है, लग्जरी होती है, वो हम लोगों के लिए जो है मैंडेटरी है। सो नया लैपटॉप इसलिए खरीदा है बिकॉज जो Legion हम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी अमेजिंग उसका परफॉर्मेंस है। 2 साल से उसको यूज़ कर रहे हैं, अब हमें लगा कि एक और हमें लेना चाहिए, क्योंकि साथ ही मैम को भी बहुत काम होता है। नाउ वी आर ऑफ फॉर अनदर परचेज, जो मैं आपको दिखाता हूँ क्या। तो अब हम सोच रहे हैं कि यार स्वाति मैम जो शॉट्स बनाते हैं वो शॉट्स बनाने के लिए हम लोग क्यों ना पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करें ना, और पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करने के लिए वी आर एक्सप्लोरिंग दिस फोन गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। क्या रहा आउटकम? आउटकम सीम्स पॉजिटिव, लेट्स सी। सो इफ यू कैन, सो सैमसंग के जो स्टोर है वहाँ पे जो दिखाने वाला बंदा था वो कोई खास हमें लगा नहीं। हम लोग अभी जा रहे हैं रिलायंस डिजिटल में, और रिलायंस डिजिटल में यहाँ पे आके देखते हैं, क्योंकि ये मल्टी ब्रांड स्टोर काफ़ी बार ना काफ़ी कॉपरेटिव होते हैं कस्टमर्स के लिए। सो लेट्स सी टू इट, वी आर ऑन द सैमसंग काउंटर राइट नाउ। हाँ मैम को दिखाइए सर, उनके लिए लेना। सो मेरे लिए लेना है आईफोन 14 प्रो मैक्स, जो अभी अवेलेबल ही है, लेकिन अभी हम बुकिंग करके आए हैं उसकी। और ये वॉच फोन, राइट, चॉइस जो है ना बहुत कसरत करवा रही है। तो मैम आप दुकान में जाने के बाद कहती है, नई डिमांड आती है कि मुझे 512 GB लेना है, 256 GB नहीं लेना है। और व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? वीडियोस बनाएंगे हाई क्वालिटी,
यूट्यूबर शाबाश। सो अब रिलायंस वाले कहते हैं कि उनके पास 512 अवेलेबल है, बहुत सारे लोग उसकी डिमांड नहीं करते बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हम लोग जा रहे हैं अब क्रोमा में और मैं ये लेकर मेरे हाथ में घूम रहा हूँ डब्बा लीजन का। सो बट लीजन का बैग बहुत प्यारा लग रहा है ना, अमेजिंग यार। जल्दी करो मेरे को कल मुंबई जाना है। आईफोन 14 कब आएगा यार, उसका तो इंतजार है। कहते हैं ना गुड थिंग ऑलवेज टेक्स टाइम, और ये वाला जो व्लॉग है ये वाले व्लॉग में बहुत सारे कट्स एंड पीसेस होने वाले हैं। सो बहुत सारे कट्स एंड पीसेस में व्लॉग बनने वाला है। उस दिन हमने परचेज किया था एक लैपटॉप और सैमसंग का फोन, तो व्लॉग के अंदर कैप्चर नहीं हो पाया क्योंकि वो उस दिन तो हमें सैमसंग का फोन नहीं मिला था। और फिर मैं चला गया था, कहाँ पे गया था मैं, आई वेंट टू दिल्ली गया था। हाँ मैं दिल्ली चला गया था और अल्टीमेटली फिर मेरे जाने के बाद पीछे से स्वाति वो फोन लेकर आया, शो दैट फोन। सो फाइनली शी परचेस्ड S22 अल्ट्रा, दैट्स एन अमेजिंग फोन। बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है ये फोन जिस चीज के लिए फेमस है, इससे आप मून की फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई है, क्या हो गई? जब से फोन लिया है ना तब से एक दिन भी मून दिखाई नहीं है। बैंगलोर इज पूरा क्लाउडी। या मैन, इट्स सो क्लाउडी। और फिर हम लोग गए थे एप्पल की शॉपिंग करने के लिए, आईफोन 14 प्रो मैक्स एंड एप्पल वॉच अल्ट्रा। बट फिर से हो गई हमारे साथ ट्रेजेडीज, फिर हमारे साथ हो गई ट्रेजेडी। और ट्रेजेडी हुई ये कि हम लोगों को फ़ोन मिला नहीं, द फोन वॉज नॉट अवेलेबल, प्री बुकिंग्स चल रही थी। जब फ़ोन को किया बुक तो हमें कहा गया कि एक महीने की वेटिंग है, आईफोन 14 प्रो अल्ट्रा डीप ब्लू, डीप पर्पल कलर लेना था, आईफोन 14 प्रो मैक्स डीप पर्पल और एप्पल वॉच अल्ट्रा अल्पाइन ग्रीन लेना था। अभी हमने बुक करवाया और हम लोग बाहर थे और हमें कॉल आया एप्पल स्टोर से कि एप्पल अल्ट्रा वॉच का एक पीस अवेलेबल हुआ है। हमने कहा कि यार ग्रीन कब तक आएगा, तो उसने कहा सर कोई गारंटी नहीं है कब तक आएगा। हमने कहा जाके देख लेते हैं, पसंद आ जाता है तो वो ले लेते हैं। पर ये बात है यार कि 1,00,000 रुपए की घड़ी है, सोचते हैं कुछ एक्सप्लोर करते हैं। हमने सोचा कि एडिशनल बेड ले लेंगे तो दैट कॉस्ट अराउंड 10,000 रुपीज। सीधा चलिए सीधा। So on the way to get something amazing. Pro Max कितनी वेटिंग है अभी आपके पास हमारे ऊपर? 20 कस्टमर। और स्टॉक आते हैं तो एक दो आते हैं या बहुत सारे एक साथ आते हैं? स्टॉक ही नहीं है, स्टॉक ही नहीं है। Which we are waiting for iPhone 14 Pro Max in purple, और ये कलर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैंने चेक कर लिया सिंगापुर में, मलेशिया में, US में, दुबई में, हर जगह ये फ़ोन अवेलेबल नहीं है। बट इसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इंडिया में फ़ोन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू दुबई। तो 512 GB का जो मॉडल मैं देख रहा हूँ वो इंडिया में अवेलेबल है 1,70,000 का, बट सेम मॉडल इज़ अवेलेबल इन USA फॉर 1,12,000 रुपीज़। फाइनली बहुत मशक्कत के बाद यहाँ पे आज हम लोग वापस आए हैं बहुत उम्मीद के साथ एप्पल का आईफोन प्रो मैक्स लेने के लिए। ये काउंटर पे यहाँ पे आए हैं और इस काउंटर पे जब आए हैं, सो दिस इज़ द फोन आई एम होल्डिंग इन माई हैंड विच आई एक्चुअली वॉन्टेड टू टेक। बट ये प्राइसेस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बट इसकी वेटिंग है बहुत ज़्यादा। फाइनली ये फ़ोन हम लोगों को मिल चुका है, एप्पल आईफोन प्रो मैक्स and the deep purple color what I wanted. So इधर भी and so the swiping thing is that ये जो फोन है ये हमने लिया है 1 TB का, 15,800। तो पहले जो फोन था ये था 512 GB, हम लोग देख रहे थे, बट अब हम लोग ले रहे हैं 1 TB का। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बट अभी इसको अनबॉक्स कर नहीं रहा हूँ, अनबॉक्स इसको घर पे जाने के बाद मैं करने वाला। आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू गाइस टू शो हाउ इट इज अनबॉक्स, बट आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड नाउ द एप्पल वॉच अल्ट्रा विल गेट कॉन्फिगर्ड विद दिस न्यू 14 प्रो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फाइनली अनबॉक्सिंग। वाओ।